हमने अक्सर सुना है कि अरे वो तो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, फिर उसने ऐसा कैसे कर दिया? अरे वो तो बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, फिर उसने ऐसा क्यों कर दिया? तो जब हम इस पढ़े लिखे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा तात्पर्य क्या होता है? क्या हमने कभी इस विषय पर सोचा है? चलिए इस विषय पर आज हम बात करते हैं। यहां पर जो पढ़े लिखे शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना आता हो, और जिस व्यक्ति को पढ़ना और लिखना आता है उसे हम लिटरेट पर्सन बोलते हैं। भारत में वैसे भी लिटरेसी दर को देखा जाता है कि भारत की लिटरेसी रेट क्या है, तो अगर मौजूदा बात करूं तो ये लगभग 76% के आसपास आता है, जिसमें कि पुरुषों की साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है, वो 84 के अराउंड कहीं पर है, और महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो लगभग 70% के आसपास है। मैं हो सकता हूँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें हो सकता है, लेकिन जब हम पढ़े लिखे शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा मतलब साक्षरता से है, जो कि संपूर्ण शिक्षा नहीं होती है। और हम समझ लेते हैं कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो उसके पास सही बुद्धि और सही विवेक भी होगा, और यही हमारी गलती हो जाती है। एक लिटरेट पर्सन में और एक एजुकेटेड पर्सन में बहुत अंतर है। हमें अभी तक स्कूलों में या कॉलेजेस में या जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उनका प्रयास ये रहता है कि हमें साक्षर किया जाए अलग अलग पैमानों से। स्कूलों में साक्षरता दी जाती है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया हमारे देश में। इसका मकसद हमें शिक्षित होना नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये केवल साक्षरता से लेना देना है इसका, और कोशिश की जाती है कि साक्षरता दे करके हम पढ़ने लिखने लायक इंसानों को बना सके। साक्षरता एक प्रकार से स्किल है, लेकिन शिक्षा ये कंप्लीटली अपने आप में एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो आज के समय में हमें आवश्यक है कि हम लोग साक्षरता से ऊपर उठ करके शिक्षित की ओर आगे बढ़े। तो इसी विषय पर मैं थोड़ी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि लिटरेसी वर्सेस एजुकेशन, साक्षरता वर्सेस शिक्षा, ये क्या चीज है। तो मिथ बस्टर क्या है, नॉट एवरी लिटरेट पर्सन इज एजुकेटेड एंड एन एजुकेटेड पर्सन मे नॉट बी लिटरेट। जी हाँ बिल्कुल, हर एक साक्षर व्यक्ति जरूरी नहीं कि शिक्षित हो, ये पहली बात, और एक एजुकेटेड व्यक्ति का साक्षर होना भी आवश्यक नहीं है। शिक्षित होने का मतलब हुआ कि एक पर्याप्त मात्रा में आपके पास आपकी बुद्धि और आपका विवेक होना चाहिए, आपके पास सोचने और समझने की ताकत होनी चाहिए, आपके पास सही और गलत के बीच में चुनाव करने का के गुण होने चाहिए। तो शिक्षा हमें एक गुण प्रदान करता है जिससे हम सही और गलत के बीच में चुनाव कर पाते हैं, क्या करें और क्या ना करें के बीच के जो द्वंद है उस द्वंद को सुलझा पाते हैं और सही एक्शन ले पाते हैं। जबकि साक्षरता हमें केवल एक स्किल प्रोवाइड करता है जिस वजह से हम किताबों को पढ़ सकते हैं या अपनी बातों को लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे पास पर्याप्त समझ हो किसी विषय पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि नॉट एवरी लिटरेट पर्सन इज एजुकेटेड एंड एन एजुकेटेड पर्सन मे नॉट बी लिटरेट। ठीक है, तो इस बात को हमें जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा, और फिर ये कहना शायद कम कर देंगे कि अरे वो तो पढ़ा लिखा इंसान था तो फिर इसने ऐसा किया। पढ़े लिखे तो भारत में तो लिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है, लेकिन आप समस्याओं के अंबार को जरा देख के तो देखिए चारों तरफ कि किस कौन से फील्ड में ऐसा है जहां पर समस्याएं नहीं है। पर्यावरण को ले ले, वहां समस्या, ठीक है, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही है हाल फिलहाल में अगर उसको ले लिया जाए तो फिर वहां समस्या। पॉल्यूशन की बात करें तो वहां समस्या, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो फिर वहां समस्या, डेवलपमेंट के नाम पर जो सारे चीज हम लोग करते आ रहे हैं उन सब में समस्याएं ही मौजूद हैं, और आने वाले भविष्य खतरे में नजर आती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप सभी जान रहे होंगे, हर दिन प्रायः कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लाइमेट से संबंधित खबर या किसी और घटना से संबंधित खबर हमें मिलती ही रहती है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं साक्षर होना काफी नहीं है, अब जरूरत आ गया है कि हम साक्षरता से आगे बढ़ते हुए शिक्षित हो सके, ताकि अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम अपने कार्य कर सके और आने वाले भविष्य को सुधार सके। और जैसा कि मैंने कहा कि नेशनल लिटरेसी मिशन डिफाइंस लिटरेसी एज एक्वायरिंग द स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड एबिलिटी टू अप्लाई देम टू वंस डे टू डे लाइफ। लिटरेसी केवल इतने बात से संबंधित है कि हमें रीडिंग आता हो, हमें राइटिंग आता हो, हमें थोड़ी बहुत अर्थमेटिक आती हो, और उसका एप्लीकेशन हम डे टू डे लाइफ में कर सके, जिससे हमारा जिंदगी थोड़ा आसान हो सके। इसके अलावा एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इम्पार्टिंग हिम नॉट जस्ट लिटरेसी बट ऑल्सो द वैल्यूज एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज राइट एंड रॉन्ग। इट इम्पार्ट्स विजडम एंड इट इम्पार्ट्स विजडम टू यूज स्किल्स दैट अ मैन पोसेसेस इन अ बेटर वे दैट सर्व द सोसाइटी। सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से अबाउट लिटरेसी एंड एजुकेशन। दोनों में काफी फर्क है और इसे समझना हमें जरूर चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम केवल साक्षरता पर ध्यान ना देकर के शिक्षित होने पर भी ध्यान दें। धन्यवाद।